Yeah.

हे हेल्लो गज तो कैसे हो सब लोग तो गई आज के वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले गई जो न्यू एम एटीन एटी सेवन का स्किन आया है वन पंच मैन करके उसके साथ जितने भी पुराने एम एटीन एट्टी सेवन है सबका सो so गज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा कि आप लोगों को ये जो न्यू एम एटीन एट्टी सेवन का स्किन आया है ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए सो so वीडियो को पूरा एंड तक देखो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर दो हम लोग ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियोज लाते रहते हैं एंड गाइज इस वीडियो का लाइक एम रख रहे थर्टी एट के लाइक उम्मीद है आप लोग अठतीस हज़ार लाइक एम कंप्लीट कर दोगे एंड गाइज एक दोस्त के साथ शेयर भी कर देना ताकि हमारा चैनल डाउन ना हो जाए एंड देखो इतने सारे बंदे हमारे चैनल को रेगुलर देखते बट सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो क्योंकि गाइज हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है सो so गाइश सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो न्यू एम एटीन एटी सेवन का स्किन आया है वो निकाल लेते हैं एंड देखते हैं गाइस कितने डायमंड में निकलता है गाइस ठीक है ज़्यादा डायमंड तो नहीं है मेरे पास पाँच सौ डायमंड है तो अभी गाइस यहाँ पे ये पांच जो मुक्का है ये चाहिए मेरे को तो अभी देखते हैं गाइज कैसे कैसे मिलता है ये तो सबसे पहले गाइस फोर्टी का एक स्पिन है तो कर लेते हैं ये फोर्टी का फटाफट तो ओ भाई पहली बार में एक मिल गया गाइस बहुत सही बहुत सही अभी फटाफट कर ओ भाई सेकेंड बार में भी एक मिल गया वो नाइस थर्ड में भी मिल गया भाई क्या ये क्या चल रहा है अरे भाई चार दे दिया मेरे को भाई चार बार स्पिन मरा अरे इस बार नहीं दिया शायद ये लास्ट बार बहुत ज़्यादा कटेगा मेरे को लग रहा है चार ऐसे ही मिल गया अभी इधर वॉलेट से मैं एक्सचेंज करके कर लेता ओ भाई मिल गया लो गाइस ये सबसे सस्ता है मेटीन एटी है मतलब कितने सस्ते में मिला भाई पाँच पाँच स्पिन सॉरी चार डायमंड में, में मेरे को पाँच मिल गया गाइस समझ रहे हो लिटरली गाइस बहुत आसानी से मिल गया ये एंड बहुत कम डायमंड गया इस पे हर एक एम के पीछे बहुत ज़्यादा डायमंड जाता है बट ये गाइस बहुत आसानी से मिल गया पता नहीं क्यों एंड इसका जो एबिलिटी है वो भी काफी सही है मतलब बहुत अच्छा एबिलिटी है गाइस इसका सिंगल डैमेज है उसके साथ साथ डबल रिलोड स्पीड है एंड एक्यूरेसी माइनस है एंड दिखने में तो गाइस बहुत ज्यादा जहर है एंड यहाँ पे और भी तीन है गाइज एम का स्किन देख सकते हो तो सारे के सारे कंपेयर करूंगा मैं एंड आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा वाला बेस्ट है इस टाइम पे ठीक है तो अभी सबसे पहले गाइज हम लोग ये वन पंच मैन का ही जो एमटी है इसको दिखाते हैं ठीक है सो so, सबसे पहले ये जो एम एनटीन एटी सेवन है इसका सिंगल डैमेज है डबल रेट ऑफ फायर है एंड एक्यूरेसी माइनस है तो गाइज़ रिलोड स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब गाइज आप किसी स्क्वाड को मार रहे हो मतलब एक स्क्वाड को उड़ाने की सोच रहे हो ठीक है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है सोलो में भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है रिलोड रिलोड हर एक चीज़ में मैटर करता है गाइज ठीक है क्योंकि आपका जितना जल्दी रिलोड होगा उतना जल्दी आप जो है एनिमी को मार पाओगे ठीक है एंड अगर दूसरा कट्टा यहाँ पे होता तो मैं क्या करता गई यहाँ पे, जब तक मैं रिलोड करता तब तक मेरे को मार देता क्योंकि इस पर डबल रिलोड स्पीड है तो दो शॉट मारने के बाद मेरा जो गन है वो तुरंत रिलोड हो जाएगा मतलब फिर से मैं दो शॉट लगा सकता हूँ एंड जो दूसरा कट्टा है उस पर उतना आसानी से रिलोड नहीं होगा मतलब जब तक वो दूसरा कट्टा रिलोड होगा तब तक इसका गोली भी निकल जाएगा एंड सबसे ज़रूरी बात इसका एक्यूरेसी माइनस है जिसका कारण इस पर बहुत तगड़ा हेड शॉट लग जाएगा क्योंकि गई मैंने पहले भी बताया है जो एक्यूरेसी माइनस वाला गन होता है एक्यूरेसी माइनस होने के कारण गोली जो है चारों तरफ़ फैल जाता है एंड चारों तरफ फैलेगा तो आप हेड शॉट मार पाओगे मतलब ऑटोमेटिक हेडसॉट लग जाएगा बट इसका डिसएडवांटेज भी है मतलब जितना ज्यादा दूर रहेगा ना एनिमी उतना ज्यादा आपका गोली फैल जाएगा एंड जितना ज्यादा दूर जाएगा आपका एनिमी उतना कम डैमेज मारेगा ये एम एटीन एटी सेवन मतलब कम डैमेज तो नहीं आपका एक्यूरेसी फैल जाएगा तो मतलब पूरा नहीं लगेगा एम एटी एटी सेवन का जो पूरा गोली होता है वो गोली नहीं लगेगा पूरा थोड़ा सा लगेगा जैसे देखो यहाँ पे इस एनिमी को भी थोड़ा सा लगा क्योंकि ये थोड़ा दूर था एंड मेरा जो गोली है वो फैल गया इसी के कारण इसको पूरा हेड शॉट नहीं लगा जैसे ये पास में आया देखो पूरा रेड नंबर हो गया मतलब सिंपल तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ इस एम एटीन एटी सेवन के थ्रू आप वन शॉट एकदम गॉड लेवल मारोगे बट क्लोज रेंज पे थोड़ा सा अगर लॉन्ग रेंज पे जाओगे तो आपका पूरा हेड शॉट नहीं लगेगा आपका एक एक करके लगेगा जैसे देखो यहां पे भी एक एक करके लग रहा है जैसे ये थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा है है ना वैसे वैसे मेरा जो एक्यूरेसी वो फैलते जा रहा है एंड मेरा गन बेकार होते जा रहा है मतलब जैसे जैसे मैं फायर करूंगा वैसे वैसे उसको बस एक दो करके ही हेड शॉट लगेगा गाइस चाहे आप कितना भी ट्रिक यूज कर लो ये एक्यूरेसी को आप फैलने से रोक नहीं सकते क्योंकि इसका एक्यूरेसी माइनस है जब तक वो एनिमी को आप पास से नहीं मारोगे तब तक आपका एक्यूरेसी फैलेगा एंड एक दो गोली करके ही लगेगा गाइस ठीक है तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है एंड उसके अलावा अगर ये जो एम एटीन एटी सेवन है इस पर रिलोड डबल है तो रिलोड बहुत स्पीड से होगा इसका मतलब आप जो है एक स्क्वाड को भी संभाल सकते हो क्योंकि देखो रिलोड बहुत ज़्यादा मैटर करता है स्क्वाड में मतलब डबल शॉट में भी ये काम आएगा जैसे आप दो शॉट मारोगे वैसे ही तुरंत आपका रिलोड हो जाएगा वैसे ही तुरंत आप उस एनिमी को भी मार सकते हो मतलब कितना ज़्यादा फायदा है समझ रहे हो गाइस एंड उसके साथ साथ हेड शॉट तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि एक्यूरेसी माइनस है बट क्लोज रेंज पे ठीक है मतलब ये जो एम एटीन एंटी सेवन है इस पर कोई सभी कमी नहीं है एंड एम एटीन एंटी सेवन में रेंज पहले से ही होता है रेट ऑफ फायर भी पहले से ही होता है आपको पता है बाकी यहाँ पे जो चीज़ का कमी था वो चीज़ तो इसने दे दिया रिलोड का कमी था तो रिलोड इसने दे दिया

आपका जो गोली होगा वो एनिमी के बॉडी पे चिपक जाएगा हेड कम लगता है इस में बट आप बॉडी शॉट में ही मार सकते हो क्योंकि सिंगल डैमेज भी है एंड सबसे जरूरी बात आपको तो पता है, वाला जो है उसका एम सबसे पहले सही करना पड़ेगा बाकी ये जो एम एटीन पे एक्यूरेसी होने के कारण अगर कोई एनिमी क्रॉस भागता है मतलब जैसे देखो इधर एनिमी है तो अगर ये एनिमी क्रॉस भागेगा मतलब मेरे से साइड में भागेगा तो भी ये जो एम एटीन एटी ভনে इसका गोली छोड़ने वाला नहीं है मतलब जितने भी गोली आप मारोगे एनिमी के बॉडी पे कनेक्ट हो जाएगा जैसे देखो यहाँ पे सारे गोली कनेक्ट हो गया है एनिमी के बॉडी पे चाहे कितना भी क्रॉस भागे ठीक है बट जो वन पंच मैन वाला है उस पर ऐसे अगर क्रॉस भागेगा ना कोई तो उसका जो गोली होगा वो काफी ज्यादा रिक्वेल करेगा तो आपको एकदम क्लोज रेंज पे जाना पड़ेगा वन पंच मैन वाले में बट इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है इस पर एक्यूरेसी है तो आपका जो गोली है वो परफेक्ट लगेगा एंड इस पर आप वन शॉट भी अच्छे से मार पाओगे गाइस ठीक है वन शॉट के लिए भी बेटर है ये शॉर्ट गन एंड उसके अलावा आप फोर बी फोर में भी अच्छे खासे खेल सकते हो इस शॉर्ट गन के साथ गाइज बट इस पर क्लोज में जाना पड़ेगा क्योंकि इस रेंज माइनस है तो आपको क्लोज में तो जाना पड़ेगा ठीक है ये भी गन काफी सही है बाकी भी काफ़ी काफ़ी सही मेरे को काफी अच्छा लगा लेकिन इस शॉर्ट गन के साथ आप एक स्क्वाड को आसानी से मार नहीं पाओगे जब तक आप स्प्रिंट नहीं करते हो या फिर ग्लू वॉल नहीं लगाते हो क्योंकि इस पर रिलोड नहीं है तो रिलोड आप जल्दी जल्दी कर नहीं सकते तो ये जो शॉर्ट गन है ये वन वर्सेस वन के लिए एकदम परफेक्ट शॉर्ट गन है आप बॉडी बॉडी में ही मार सकते हो एनिमी को गाइज ठीक है सो जो नेटिन ने एटी सेवन है वो है रेपर अंडर वर्ल्ड जिसका डबल रेट ऑफ फायर है सिंगल रिलोड स्पीड है एंड एक्यूरे माइनस है तो इसका भी एक्यूरसी माइनस होने के कारण इस पर माइनस हो जाता है ना तो देखो एम का, का काफी सारा गोली एक साथ निकलता है तो एक्यूरेसी माइनस होने के कारण जो गोली होता है वो काफी ज्यादा फैल जाता है एंड ऑटोमेटिक हेड पे चिपक जाता है गोली ठीक है मतलब ज्यादा से ज्यादा जो शॉर्ट होगा वो एनिमी के हेड पे चिपक जाएगा ऑटोमेटिक गाइस ठीक है आप चाहे कुछ करो चाहे ना करो बस आप फायर करोगे ना ऑटोमेटिक हेड पे चिपक जाएगा गाइस सीरियसली बता रहा हूँ बट इस गन का भी काफी ज्यादा डिसएडवांटेज है इसका डिसएडवांटेज है इस पे एक्यूरेसी माइनस एक तो ऊपर से इसका डबल रेट ऑफ फायर है मतलब डबल रेट ऑफ फायर अगर किसी भी शॉर्ट रेंज के गन में होता है तो उसका जो एक्यूरेसी होता है वो बहुत ज्यादा माइनस हो जाता है क्योंकि एक साथ दो दो गोली निकल जाता है गाइस ठीक है तो इसके कारण जो एक्यूरेसी होता है वो बहुत ज्यादा माइनस हो जाता है एंड आपको एम परफेक्ट करना पड़ेगा इस शॉर्ट गन के साथ अगर एम आप परफेक्ट नहीं कर सकते तो आप किसी को मार नहीं पाओगे क्योंकि गैस देखो एक शॉट अगर इसपे मिस जाता ना तो सेकंड शॉट भी पक्का मिस जाएगा क्योंकि एक साथ डबल शॉट ही निकल जाता है इससे एक साथ मतलब एक शॉट चलाओगे तो दो शॉट निक, निकल जाएगा क्योंकि डबल रेट ऑफ फायर है एंड रिलोड स्पीड भी प्लस है तो रिलोड भी काफी सही कर देता है बाकी इस पर हेड शॉट तो देख ही सकते हो बहुत सही लगता है बट आपको एकदम क्लोज रेंज मेंटेन करना पड़ेगा इस शॉर्ट गन के साथ फोर बी फोर में ये जो शॉर्ट गन है ये एकदम गॉड लेवल चलता है आप रैंक पे भी यूज कर सकते हो बट अगर आपके पास ये शॉर्ट गन नहीं है तो आप वन पेंज मैन वाला भी ले सकते हो क्योंकि उस पर कोई सा भी कमी नहीं है हर एक चीज उसमें है उसमें आप वन शॉट कर सकते हो डबल शॉट कर सकते हो रैंक गेम भी खेल सकते हो क्लैश कॉर्ड का फोर बी फोर भी कर सकते हो सब कुछ कर सकते हो आप एक स्क्वाड को संभाल सकते हो अकेले गाइज ठीक है क्योंकि नहीं मार सकते हो किसी को तो रिलोट बहुत ज्यादा मैटर करता है तो लास्ट शॉर्ट गन है, है लैंड वाला शॉर्ट गन जिसका रेंज डबल है मूवमेंट स्पीड प्लस है एंड रिलोट स्पीड माइनस है तो ये रिलोट माइनस तो करेगा बट इस पर डबल रेंज है तो डबल रेंज होने के कारण ये जो शॉट है ये सिर्फ वन शॉट के लिए ही काम आता है बाकी इसका कोई काम नहीं है फोर बी फोर में आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि इस पर रिलोड माइनस है तो रिलोड माइनस हो जाएगा तो आप एक स्क्वाड को मार नहीं सकते मतलब दो बंदे को नहीं मार पाओगे आप इस शॉर्ट गन के साथ ठीक है बट इस पर अच्छा खासा हेड शॉट आप मार सकते हो वन शॉट मार सकते हो क्योंकि इस पर रेंज ज़्यादा है तो रेंज ज़्यादा है इसका मतलब ये है आपका जो गोली है आपका जो ड्रैग है वो काफ़ी सही पकड़ेगा तो वन शॉट आप एकदम बहुत तगड़ा वाला मार सकते हो इस शॉर्ट गन के साथ ठीक है बाकी यहाँ पे बात किया जाए वन पंच मैन वाले का तो वन पंच मैन वाले में सब कुछ है सब कुछ मतलब ये जो तीन शॉर्ट गन में है ना सब कुछ उस अकेले में है मतलब रिलोड भी है रेट ऑफ फायर भी है डैमेज भी है सब कुछ है उसमें ठीक है गाइज बट उसको चलाना आना चाहिए आपको थोड़ा क्लोज रेंज से चलाना होगा तो मैं तो कहूँगा गाइज वो जो शॉट है वो आप निकाल सकते हो क्योंकि वो जो शॉर्ट है ना काफ़ी सारे बंदे को गाइज कम डायमंड में मिल रहा है मैंने दो तीन बंदे का किया गाइज स्पिन एंड फटाफट मिल गया मेरे को गाइज सीरियसली बता रहा हूँ अगर आप चाहो तो वो शॉर्ट निकाल सकते हो वो अभी के लिए बेस्ट है एक नंबर शॉर्ट है वो एम का स्किन एंड मैं भी वही शॉट का स्किन यूज़ करने वाला हूँ एंड दिखने में भी बहुत ओपी है सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो पे तब तक के लिए बाय चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना गाइस ठीक